आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला रामपुर के ब्लॉक स्वार के गांव सिरकापट्टी कुंडेश्वरी पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 45 किलोमीटर तो ब्लॉक से 10 किलोमीटर है। 1700 वोटों वाले इस गांव की कमान नरपाल सिंह ने अपने हाथों में संभाल रखी है। बताते चले कि यह दूसरी बार गाँव के प्रधान है। अच्छा विकास कराने के कारण यह दूसरी बार भी इस गाँव के प्रधान चुने गए हैं। 4 वर्ष में इन्होंने गांव को किस तरह से सजाया है, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान की जबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं गांव सिरकापट्टी कुंडेश्वरी में। यहां प्रधान द्वारा काफी विकास करवाया जा चुका है, जिसकी पूरी जानकारी हम प्रधान जी से लेकर ही आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं प्रधान जी के पास। प्रधान जी, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। 4 साल आपके कार्यकाल को लगभग पूरे बीत चुके हैं, क्या क्या विकास कार्य आपने अपनी ग्राम पंचायत में करवाए? जी, हमने नल रिबोर कराए हैं, लगभग 10 नल है रिबोर, और जो भी रास्ते गंदे थे उन तार सीसी लगवाई है, कहीं खरेंजे लगवाए हैं, नालियाँ लगवाई हैं। इस समय गांव की जो कंडीशन है मैं समझता हूँ काफ़ी बेहतर, काफ़ी पिछले वर्षों से काफ़ी हद तक बेहतर अब हो गई है। आवास मिले हैं गांव में लोगों को? जी हाँ, लोग 2 आवास आए थे जो बनवा दिए। केवल 2 आवास? शौचालय से ओडीएफ हो गया गाँव पूरा? जी पूरा गाँव हाँ क्लियर है। 110 शौचालय लगे थे, वो सारे के सारे बनवा दिए गए हैं, सारे चालू। सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट वगैरह लगवाई है? 4 सोलर लाइट लगवाई है। कूड़ेदान मंदिर, जैसे मंदिर है, मस्जिद है, यहाँ पे जो मतलब जहाँ जरूरत आपको लगती है वहाँ आपने रखवाए हैं, जो सार्वजनिक स्थल है जी। सरकार की जो योजनाएं लागू होती है क्या उनका लाभ सभी को मिलता है यहाँ पर? जी, किसान के खातों में सम्मान निधि का पैसा आ रहा है? जी, सम्मान निधि का पैसा हमारे यहाँ पर हम लोग खाते में आया, लगभग 20-25% मांग के चलिए। अच्छा, इतना कम क्या इसका कोई कारण? हाँ, कारण ये रहा कि किसी का आधार कार्ड का नंबर डिसमिस हो गया, तो मतलब दस्तावेजों में कोई ना कोई कमी रह गई है जिन लोगों को नहीं मिला। हाँ, वैसे अब जो है वो पूरे कर दिए गए हैं सारे दस्तावेज। सरकारी बिल्डिंग में यहाँ स्कूल के अलावा बारात घर है? जी नहीं। पंचायत घर? जी नहीं। आंगनबाड़ी केंद्र? आंगनबाड़ी केंद्र अभी बना है। खेल का मैदान? खेल का मैदान। कब्रिस्तान तो है, थोड़े से हमारे मोमेन भाई हैं। बाउंड्री वॉल हो रखी है? नहीं नहीं नहीं, कोई बाउंड्री। तो यहाँ हिंदू समाज के भी काफ़ी लोग हैं, उन्हें अंत्येष्टि स्थल के लिए उन्हें कहाँ कितने दूर जाना? हमारे लोगों यहाँ से 6 किलोमीटर दरियाल मिलता है, दरियाल ही शमशान घाट है, वहीं कोसी नदी बहती है जी, तो वहाँ नदी सब लोग वहीं जाते हैं। तो क्या आपने कभी इसके लिए प्रस्ताव नहीं रखा यहाँ के आगे कि यहाँ पर ग्राम समाज की भूमि? जी जी जी, प्रस्ताव तो दिया था तालाब के रूपापुर में, एक तालाब के किनारे शमशान घाट है जी। इस बारे में हमने काफी कोशिश भी की मगर कोई सफलता, अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। क्या ग्राम समाज की भूमि आपके गाँव में मौजूद है? हाँ, वो लोगों ने वैसे कब्जा रखी है, कोई कूड़ी डाल रहा है, कोई बटोर, कोई ये कन्ने बन्ने रखता है। इसके लिए कभी इसे कब्जा मुक्त कराने की कोशिश नहीं की? जी मैंने जी कोशिश की, मतलब आपने या आपने कोई सरकारी कदम कोई उठाया हो, किसी से कोई शिकायत? जी जी जी, मैंने किसी से कोई शिकायत नहीं जी। तो ऐसा भी हो सकता है कि इस ग्राम समाज की भूमि को आप गांव वाले मिलकर अपने स्तर पर आप इसे जो है यहाँ शमशान घाट का निर्माण? यहाँ पे शमशान घाट देखिए बन ही नहीं सकता जी, क्योंकि यहाँ शमशान घाट इसलिए नहीं हो सकता, हम इसे मुक्त भी कर दें, कब्जा मुक्त भी कर दें तो इसलिए नहीं हो सकता, क्योंकि शमशान घाट हिंदुओं का तो नदी किनारे ही होना चाहिए, क्योंकि शमशान घाट ना होकर के जैसे ये बारात घर यहाँ नहीं है, पंचायत भवन यहाँ नहीं है, खेल का मैदान यहाँ नहीं है, तो इस तरह की जो सरकारी पंचायत भवन नहीं है, जैसे बारात घर नहीं है, बहुत बड़ी परेशानी लोगों को होती है, बारात आती है तो उसके लिए जैसे अगर मान लीजिए बारात घर आता है तो उसके लिए हम पूरे प्रयास करेंगे कि जो ग्राम समाज की भूमि है उसका जो। यहाँ पानी की स्थिति कैसी है? पीने का पानी सुना है कि आसपास यहाँ काफी दूषित है तो जी, पीने का पानी दूषित है क्योंकि हमारे बराबर में जो नहर बहती है जी, इसका पानी दूषित है, फैक्ट्री का पानी। तो यहाँ पीने के पानी की क्या सुविधा है? इसलिए जगह जगह पे हैंडपम्प है जी, मैंने खुद ही इस साल 10 जो सफाई के सफाई कर्मचारी नियमित आते हैं, सफाई कर्मचारी भी यहाँ संतोषजनक है। गाँव को सुंदर और विकसित बनाने के लिए क्या प्रमुख मांग सरकार से रखना चाहते हैं? हम तो ये मांग रखे हैं कि बारात घर मिले जी, हमें जी एक पंचायत भवन मिले जहाँ 4 लोग बैठ कर अपने मन की बात भी कर सकें जी, जरूरी है जी। बाकी रोडो तो संतोषजनक है। कितने आप परिवार यहाँ ऐसे होंगे जिन्हें आवासों की आवश्यकता है?
यहाँ लगभग हैं 20-25 परिवार तो ऐसे हैं जिन्हें आप आवास मिलना चाहिए। जैसा कि आपने देखा, ग्राम प्रधान से हमने यहाँ बातचीत की है। काफी विकास प्रधान द्वारा यहाँ करवाया जा चुका है, क्योंकि ये दूसरी बार लगातार यहाँ प्रधान है। काफी हद तक ये गांव विकसित हो चुका है, सारी सड़कें लगभग पूरी पक्की हैं, यहाँ आवास केवल दो लोगों को मिले हैं। इसके अलावा स्कूल पर भी काफी कार्य करवाया है, लेकिन यहाँ यदि समस्याओं की तरफ नजर करते हैं तो यहाँ कुछ मूलभूत समस्याएं अभी भी बाकी हैं जिनसे लोग जूझ रहे हैं। जैसे कि सबसे प्रमुख मांग यहाँ प्रधान ने बारात घर पंचायत भवन को लेकर की है, जो कि बहुत ही जरूरी है। गांव वालों को काफी इसमें परेशानी का सामना करना पड़ता है, दूर जाना पड़ता है। अशरफ अली के साथ मनाजरीन, टुडे 24।